हेलो एवरीवन, आज हम लोग ट्रेन पार्ट टू करने वाले हैं। टाइटल आप देख रहे हो, ट्रेन के आज सिंगल एक्सीडेंट को कवर करने वाले हैं, जिसमें आप कंसेप्ट भी सीखेंगे, ट्रिक्स भी सीखेंगे और कैसे जल्दी बना सकते हैं वो भी सीखेंगे। सवाल हमने 8 और 9 ही लिया हुआ है, लेकिन फिर भी कंटेंट में काफ़ी दम है, तो आइए आपको कंसेप्ट के साथ ट्रिक्स भी सिखाते हैं। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे एक सवाल देख पा रहे होंगे। इसको बनाने के बहुत सारे नियम हैं, मैं सब आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको जो पसंद हो वही लीजिएगा। मान लीजिए किसी एक ट्रेन को मान लीजिए किसी एक ट्रेन को ए से बी ट्रेवल करना था, ठीक है। मैंने कहा कि एक ट्रेन स्टेशन से चली और 30 किलोमीटर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, यानी यहाँ से ये 30 किलोमीटर चलता है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके कारण उसकी चाल 4/5 हो गई। यहाँ पर इसका चाल जो है ना 4/5 हो गया। सपोज करिए ये पोजीशन हमारा सी है। 4/5 कहने का तात्पर्य है कि पहले वो 5 का स्पीड से जा रहा था, अब उसका घट के 4 हो गया, ठीक है। और कहता है कि अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में 45 मिनट की देरी हुई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों 45 मिनट देर हुआ है। ध्यान रखिए 45 मिनट लगा नहीं है, क्योंकि इसके बाद से ही ट्रेन धीरे चलना शुरू होगा। कहानी में फिर एक ट्विस्ट आता है। कहता है कि दुर्घटना इस स्थल में नहीं होके इससे 18 किलोमीटर आगे होता। तो थोड़ा सा एक चित्र और बनाते, मान लीजिए सी से फिर ये 18 किलोमीटर आगे, ये कहता शुरू से नहीं। तो अगर ऐसा होता तो कहता है कि फिर 36 मिनट, मतलब अब जो बाकी डिस्टेंस बचे हैं ये वाला 36 मिनट वो देर से पहुंचता, ठीक है। आपको कहता है कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल निकालें। सबसे पहले आपको मैं दूरी निकालने सिखाने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम पे दूरी भी आता है, उसके बाद चाल निकालने सिखाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और फोटो ध्यान से देखिएगा। आप इस वाले डिस्टेंस को गौर करो तो सी से लेके डी तक, आप मुझे एकदम आराम से बताइए सी से लेके डी तक कितना आपको दिख रहा? 18 किलोमीटर है ना। बराबर क्यों दिए हैं पता चलेगा। अगर मैंने सी से डी निकालने को आपको बोला जाए, तो क्या हम लोग मैथमेटिक्स में ये बच्चा वाला चीज़ तो जानते होंगे ना, बी सी माइनस बी डी। तो बी से लेके सी तक का टाइम कितना है? 45 मिनट। और बी से लेके डी तक का टाइम कितना? 36 मिनट। एक्चुअली ये टाइम नहीं है, ये देर वाला टाइम है। तो दोनों टाइम को यदि दोस्तों घटा दिया जाए तो कितना मिनट देर हो जाएगा? 9 मिनट देर। इससे पता चला कि 9 मिनट देर किसके कारण हो रहा? यही 18 मिनट के कारण। आ रहा समझ में? 9 मिनट देर किसके कारण हो रहा? यही 18 मिनट के कारण, ठीक है। नहीं तो 9 मिनट देर नहीं होता। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अच्छा, अब आगे का काम क्या है? ठीक है, अब आगे का काम क्या है ध्यान से देखिए। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको यहां पहले मैं डिस्टेंस निकालने से कहूँ, यहां से यहां तक तो 30 आपको पता है। क्या यहां से यहां पता चल जाएगा तो सर बात नहीं बन जाए। तो यहां से यहां तक कैसे निकालेंगे सर? तो देखिए 45 मिनट देर हो रहा, तो अगर मैंने इसमें 5 गुना कर दिया तो मैथ कहता है कि इधर में भी 5 गुना करो। तो इससे पता चला दोस्तों कि यहाँ पे 45 मिनट देर और यहाँ पे कितना आ गया है? 90 किलोमीटर, ठीक है। एक बात तो ये रही, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई तकलीफ है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 90 किलोमीटर। अगर अब आपको दूरी पूछा जाए तो 90 प्लस 30 यानी दूरी बराबर 120, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे तो आपको हम याद करवा देंगे इसको। अगर एक बच्चा मुझे कहता है कि सर यहाँ पे 30 पता है, 18 पता है, ये वाला डिस्टेंस निकालें, ये वाला डिस्टेंस कहने का मतलब बी डी, तो क्या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। अगर मैंने यहाँ पे कहा कि 9 मिनट देर किसके कारण होता है? 18 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस में कितना मिनट देर हो रहा? 36। तो आप बताइए 4 गुना करने से आएगा ना, तो बगल में भी करो, यानी 36 मिनट देर होने का कारण ये 72 किलोमीटर है।
अब अगर टोटल डिस्टेंस निकालना पड़े तो 30 को जोड़ेंगे, 18 को जोड़ेंगे और 36 को, यानी 30 प्लस 18 प्लस 72, माफ़ कीजिएगा 36 मैंने बोल दिया, 36 नहीं, ये टाइम है इसका, डिस्टेंस है 72, इसको भी आप जोड़िएगा तो बहुत ही आराम से 120 आ जाएगा। यहाँ तक बच्चे को समझ में आया होगा, ठीक है ना? अब आप चलिए कि चाल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। मुझे बताइए कि चाल 4/5 हो गया, कहने का मतलब पहले ट्रेन 5 का स्पीड से जा रहा था, चाल हो गया 4। हम लोग पढ़ चुके हैं कि चाल का उल्टा समय होता है, यानी चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है, तो यानी 4 से 5 होगा। यानी एक तरह सोचिए, पहले 4 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 5 यूनिट लग रहा, तो कितने का देर हो गया? तो भाई 1 का। अब इसको आगे बढ़ाने के पहले रेलगाड़ी की सामान्य चाल बतानी है, तो मालूम है कौन सा? हमेशा याद रखिएगा, एक्सीडेंट के बाद वाला चाल पूछता है, तो एक्सीडेंट के बाद वाला चाल बताइए, यही हुआ ना? यही, फिर से बताते हैं इसको, अगर नाम देके बताएं तो BC हुआ ना? और अगर ये वाला का मेरे को चाल पूछता है दोस्त, तो क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बताइए BC का दूरी मैंने अभी ताजा ताजा 90 निकाला कि नहीं, ठीक है ना? अब इतने दूर तक का ही ना समय चाहिए, तो इतने दूर तक का समय बताइए कितना मिनट लेट है? 45 मिनट लेट है। यहां पे कितना हो रहा है? 1, तो 1 बराबर 45। हमेशा अगर सामान्य बोले, वर्तमान बोले, तो हमेशा आपका सामान्य वाला जो होता है ना, वो ये होता है, यानी इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, और जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 180 मिनट आ गया, यानी 45 वाला ही तो टाइम चाहिए था ना, क्योंकि मुझे, क्योंकि देखो यहां से यहां तक 5 चाल चल रहा था, आगे वाला ही 4, इसलिए 4 से गुना होगा, कॉमन सेंस भी है, तो यानी 180 मिनट 60 से भाग लगाएंगे तो 3 घंटा। अब मेरे को यहां पे आ जाते हैं दाहिनी तरफ, 3 से भाग लगाएंगे, यानी चाल आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ही आसान। अभी देखते जाइए, अभी तो बस शुरुआत है, अभी चूंकि आपको कंसेप्ट भी सिखाना है, कभी मैथ में ट्विस्ट आया तो आप डायग्राम से सॉल्व कर सको। ये हो गया एक मेथड, मेथड नंबर 1, ठीक है, मेथड नंबर 1। सेकेंड मेथड पे आते हैं दोस्तों, ठीक है, चूंकि मेरे को चाल को ज्यादा वैल्यू देना है, दूरी तो आराम से निकल जा रहा। पहले सोचिए कि चाल क्या हो गया था, 5 से 4, जब पहला एक्सीडेंट हुआ, तो आप मुझे बताइए समय क्या हो जाएगा, 4 से 5, बताइए होगा ना? ठीक है, सेकेंड मेथड में हम केवल आपको चाल निकालने को सिखा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सवाल में चाल पूछता है। मुझे बताइए यहां से यहां समय है ना, ये देखिए वेलोसिटी, ये टाइम आपके लिए पहली बार लिख रहे हैं, तो कितने का देर हुआ भाई? 1 का। फर्स्ट केस में कितने का देर है? 45 का। तो 45 को कहाँ से गुना करेंगे? ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से करिएगा, तो 180 मिनट, और 180 मिनट मतलब 3 घंटा, ठीक है। अब ये दुर्घटना आगे हुआ, तो आगे वाला में बताइए भी फिर से 4 से 5 हो जा रहा, तो यानी टाइम कितना हो जा रहा भैया? 5 से 4, ठीक है। अब अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो फिर से यहां पर कितने का हो गया, माफ कीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये 5 से 4, और दुर्घटना फिर से हुआ है, तो यहां से 4 से 5, तो इस बार फिर से 1 का ही लेट हुआ है, और मान लीजिए कि ये 36 मिनट का लेट हुआ, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ये बाद वाला टाइम कितना हो गया, तो 36, माफ कीजिएगा, 36 यहाँ पे हो जाएगा, है ना? तो 36 मैंने जैसे यहाँ पे गुना किया, तो 36 गुना 4, 144, क्योंकि आपको हमेशा वर्तमान समय से मतलब यही सामान्य समय, अभी 144 यार मिनट आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी मिनट रहने देते हैं, यानी
ये जो हमारा हो गया 180 मिनट लग रहा है और यहाँ 144, और ये पता है क्यों लग रहा है? ये वाला टाइम का जो गैप है अगर निकालिएगा तो 36 मिनट, और ये 36 मिनट किसके लिए सर गैप है? यही 18 किलोमीटर के लिए है, यही 18 किलोमीटर के लिए है। तो मुझे बताइए कि अगर मैंने इसको 18/36 किया तो चाल नहीं आ जाएगा? बस टेंशन क्या है सर, ये किलोमीटर है, ये मिनट है, तो क्यों ना 60 से लगाएं भाग? 60 ऊपर लिखो तो ज़्यादा बेटर, 6 तिया 18, 6 छक 36, 6 से 10 बार में ये निकला ऊपर, मेरा चाल हाथ में आया। दिस इज मेथड नंबर टू। इन फ्यूचर अगर आप सीख जाएंगे तो डायरेक्ट दिमाग में देखेगा 45 गुना 4 180, 36 गुना 4 144, और क्या करना है सर, 18/180 माइनस 144, अगर ये मिनट में रहे तो 60 से डिवाइड नहीं करके ऊपर। बैलेंस बनाना है आपको, हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या रास्ता है, ठीक है? काफी अच्छा अच्छा तरीका बताएंगे। ये हो गया दोस्तों मेथड नंबर टू। मेथड नंबर तीन क्या कहता है देखें तो, मेथड नंबर तीन क्या कहता है देखें तो, स्पेशली चाल के लिए बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दिस वन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चाल निकालने का बड़ा ही सुंदर तरीका। सबसे पहले क्या करना है, ये मेथड जो है कहाँ से निकला, बेसिक से। हमेशा याद रखिएगा जो बाद वाला एक्सीडेंट का डिस्टेंस है उसको प्यार से ऊपर लिख दीजिएगा और चुपचाप पड़े रहिएगा। अब क्या करना है, 4 और 5 का गैप कितना, 1, ये 1 का देर हो रहा है। यहाँ पर 45 मिनट का देर, यहाँ पे 36 मिनट का देर, तो दोनों को करना है माइनस, आ जाएगा भाई 9। क्लियर है? आपको सोचना है 1 का मान 9, तो मेरे को निकालना 4 का मान कितना। हमेशा अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो ऊपर वाला होता है, क्यों होता है मैंने बेसिक बता दिया, उल्टा करने से 4 ही आता। तो यार 4 का मान कितना, 36, और आपको पता है ये कितना, मिनट। 1 का मान 9, तो 4 का मान 4 गुना 9, इसके नीचे प्यार से 36 बैठाना, और आपको पता है ये मिनट है, गुना करिए 60, 18 दूना 36, 2 से कटा आंसर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। क्वेश्चन तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का क्या कहना, लेकिन भाई ये मेथड बड़ा जबरदस्त है, ठीक है? क्लियर है? आप देखो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, कंसेप्ट सिखाया दूरी निकालने का, चाल निकालने का। इसके बाद मैंने क्या सिखाया, और एक कंसेप्ट सिखाया, तीसरा वाला जो लोग पागल होते हैं, ट्रिक्स के दीवाने होते हैं, उनके लिए है, ठीक है? क्या किया मैंने, फिर से सुनिए। जो बाद वाला एक्सीडेंट का दूरी है ऊपर लिखना है, फिर देखना इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1, देर देर होने से घटाना है, 1 बराबर आया 9। हमेशा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 9 का 1 का मान, क्योंकि सामान्य निकालना है तो ऊपर वाला होता है, तो 9 गुना 4 36, बस इसके नीचे कर दो 36। 60 कंडीशनल है, अगर मिनट में रहे तो 60 से गुना करें, नहीं तो मत करें। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद मेथड नंबर 4, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। किसके लिए है सर? ऑब्वियसली चाल के लिए है। कैसे करेंगे, आइए सिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना सर, ये जो हमारे पास बाद वाला डिस्टेंस है वो ऊपर लिख देना है, वो ऊपर लिख देना है। क्लियर है? कोई समस्या नहीं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ये 4/5 है ना, 4/5 है ना, ये 4 को यार लिख देना है, ये 4 को लिख देना है ऊपर, ठीक है? ये 4 को लिख देना है ऊपर। क्लियर है? ये 4 को लिख देना है ऊपर। इसके बाद क्या करेंगे, हम भी ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा बेसिक, आपके मेरे पास कोई कागज वागज है भी नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक थोड़ा दिमाग में मेरा लेके चल रहे हैं कि हो सकता आ जाए। बट्टा में क्या कर लेना है दोस्तों, इन दोनों का अंतर यानी 1। ब्रैकेट में अब क्या करो, इन दोनों को घटा के लिख दो, यानी ऐसा 45 माइनस 36। घुमा फिरा के देखिएगा तो यही वाला दिखेगा आपको, हम भी इधर से देख के कर रहे हैं,
ठीक है, मेरे को भाई ऐसा शॉर्टकट याद भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 4, यहाँ पे आ गया 9। आपको पता है ना ये मिनट है, तो 60 से करो डिवाइड। कहानी घुमा फिरा के वही है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से 30 किलोमीटर पर आवर। दिक्कत क्या है सर, इस वाले को रटना पड़ेगा। अगर आपकी आदत है तो रटिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मेथड नंबर 3 आपको पक्का याद हो जाएगा। अगर बच्चे कंसेप्ट पसंद करते हैं तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला फॉलो करिए, वो कंसेप्चुअल मेथड है। चलते चलते क्यों ना दूरी का ट्रिक्स हो जाए इसी तरह का। कैसे करेंगे, सबसे पहले बाद वाला लिखेंगे, बाद वाला लिखेंगे। तो मैंने, अच्छा बाद वाला यहाँ पे 18, एक्चुअली मेरा अगला सवाल शायद निकल गया है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 18। अब क्या करना है सर, ध्यान देना, अब आपको क्या करना है, दोनों टाइम का डिफरेंस लेना है, दोनों टाइम का डिफरेंस लेना है। तो दोनों टाइम का डिफरेंस कितना, 36 माइनस 45, 36 माइनस 45, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना है क्या दोस्तों, फर्स्ट वाला टाइम, फर्स्ट वाला टाइम। यहाँ पे मैंने 36 माइनस 45, चलिए मॉड ले लेते हैं, 45 माइनस एक्चुअली 36 होना चाहिए। और टाइम ऊपर कौन सा ले लेना है सर, मॉड वाला टाइम। अब क्या इसमें सर डिवाइड करेंगे क्या, जी बिल्कुल नहीं डिवाइड करना। यहाँ पे यार 9 आ जाएगा, यहाँ पे 45, 9 पचे 45, तो 18 पचे कितना हो गया, 90। याद है वो कौन सा 90 है, दुर्घटना के बाद। आपको अगर टोटल पूछेगा तो 30 यहाँ का, 90 यहाँ का, 120 आ गया। क्लियर है, समस्या कुछ भी नहीं होना चाहिए। चार चार मेथड आपके पास है, अब आपको सब देखना है कि कौन सा आपके लिए उपयुक्त है, क्योंकि आपके टीचर ने तो बता दिया, सिलेक्शन तो आपकी बारी है ना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट करके उल्टा कर लीजिएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। 60 से क्यों नहीं डिवाइड किया सर आपने, अगर मैंने इसको 60 से किया होता, इसको 60 से किया होता, तो ये 60 ऊपर जाता ना, और 60 60 कट जाता भाई, चलेगा ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे पास सवाल है, देखिए जो मन करे जैसे मन करे बनाइए। क्या करते हैं इसमें, मेरा ऐसा मन कर रहा, दिल कर रहा कि हम ये चारों मेथड इसमें, सबसे पहले तो यार पहला कम से कम फिर से बताते हैं, बच्चा को अगर कंसेप्ट समझना होगा ना तो पता चल जाएगा। कहता है कि चलने के 1 घंटे के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसके कारण 30 मिनट रुकना पड़ा। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चा को भ्रमित करने के लिए ये लिख दिया रहता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको कहता है कि उसके बाद रेलगाड़ी अपने मूल चाल की 3/4 गति से चली और इतना घंटा देर से पहुंची। ठीक है, और इसके बाद यदि दुर्घटना इतने में होती तो फिर आगे कितना है, नहीं है। चलो ये वाला सवाल तो काफी आसान है, इसमें आपको दूरी निकालते हैं, इसमें दूरी निकालते हैं। कैसे होगा दोस्तों, तो यहां पर हमारे पास होगा 90। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक से निकालते हो, ये 90 है ना बाद वाला, दोनों टाइम का डिफरेंस, दोनों टाइम का डिफरेंस यानी 3 1/2 - 3, मल्टीप्लाई कितना सर, 3 1/2। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों 90, यहाँ पर अगर हम 3.5 पकड़े तो 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3.5, पॉइंट पॉइंट निकल गया, 5 7 35, तो यानी आ गया 9 7 63, यानी 630। यहाँ पर अगर देखिएगा तो सवाल में कुछ हमारा मिसिंग है, चलने के 1 घंटे बाद अगर आप देख सकते हो, तो कहता है कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई है ना, दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसके कारण 30 मिनट आपको रुकना पड़ गया और 3/4 गति से चलती है ना, ये भी लिख दिया हुआ है, और इसके बाद 3.5 घंटा देर हो गया। और क्या कहता है दोस्तों, 90 किलोमीटर आगे हुई होती तो फिर इतना होता। चलिए और मुझे बताइए क्या इसमें कुछ है छूटा हुआ है, बताइए इसमें कुछ छूटा हुआ भाई, कोई इसमें दिक्कत है तो बताइए, 630 ही आ रहा ना।
एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लें क्या? ठीक है, एक बार ही क्रॉस चेक कर लें। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 3/4 है ना, शॉर्टकट वाला नियम लगाते हैं, तो यहाँ एक का देरी होने से 3.5 हो गया, तो 3 × 3.5 करते हैं, है ना। या आप ऐसा भी सोचो ना, ऐसा सोचो 3/4 है तो 4/3 हो गया, है ना, तो एक का देर हो गया। एक का देर होने से कितना हो जाएगा दोस्तों? एक का देर हो जाने से डिफरेंस होने से यहाँ पे 3.5 है और यहाँ पे 3, तो अंतर कितने का है? आधा घंटा का। अंतर कितने का है? आधा घंटा का। ठीक है, अब मेरे को बताइए ये आधा कहाँ पे गुना होगा? ठीक है, आधा घंटा मतलब कितना हो गया? 30 मिनट। आपको पता ये हमेशा ओरिजिनल वाले से मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो देखिए उस पैटर्न पे ये सवाल नहीं था, इसलिए थोड़ा सा कष्ट हो गया। तो 30 × 3 90, ठीक है, 90 मिनट हो गया। अब अगर हम लोग दिमाग लगाते हैं तो दूरी कितना हो जाएगा? दूरी निकालना था ना, तो दूरी कितना हो जाएगा भाई? 60। ठीक है, अच्छा पहले तो मेरे को चाल चाहिए ना, माफ कीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी मुझे बताइए कौन सा लेंगे? बाद वाला। समय कौन सा लेंगे भाई? यही वाला। और चूंकि ये मिनट है, मल्टीप्लाई 60, यानी ये हो गया। अब यहाँ पर आपका कंफ्यूजन आया होगा, इसलिए कहते हैं ना, तो बार बार आपको ट्रिक्स नहीं करना चाहिए। देखो अगर मेथड नंबर 4 आप डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एक बारी, मेथड नंबर 4 आप डायरेक्ट लगाते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको डायग्राम, मान लीजिए एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यहाँ पे 3/4 चाल हुआ। अगर ये ट्रेन यहाँ से यहाँ जाता, ध्यान देना, 90 किलोमीटर, तो 3.5 घंटा यानी 3.5 घंटा देर होता। ठीक है, थोड़ा टाइम लेंगे भाई समझाने के लिए। अच्छा, इसके बाद आपको कहता ये है 3.5 घंटा देर, माफ कीजिएगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, 3.5 घंटा ये वाला होगा और 90 के बाद वाला कितना होगा? 3 घंटा देर। तो मेरे को बताइए आपने क्या सीखा अभी तक, कि अगर मान के चलो कि ये वाला और ये वाला को घटा दें तो कितना घंटा हो जाएगा? हाफ घंटा, और हाफ का ही मान कितना है भाई? 90, बताइए, यही है ना। अब मेरे को क्या करना है? हाफ मतलब कितना हो गया? 30 मिनट, या नहीं तो आप ऐसा सोच लो ना, 1 = 180। अब मेरे को सोचना ये है कि ये इतना बराबर कितना आएगा? अगर मेरे को डिस्टेंस चाहिए तो, समय की तो बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस चाहिए तो, ठीक है, तो अगर मेरे को डिस्टेंस चाहिए तो कितना कर दे मल्टीप्लाई? 3.5 से, तो इधर में भी 3.5 मल्टीप्लाई, पॉइंट हट जाएगा तो 0, 18 × 5 = 90, 9 आ गया, 18 × 3 = 54 और 9, 630 आ रहा ना दोस्तों, 630। ठीक है, तो यहां पर देखो बाद वाला डिस्टेंस मेरे को निकल गया, क्लियर है। यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, एक बार हम चाल निकाल के भी आपको दिखा देते हैं। अगर मेरे को यार चाल निकालना है, अगर मेरे को चाल निकालना है तो शॉर्टकट क्यों ना यूज करें, बाद वाला ऊपर, ये मेथड नंबर 3 से लगा रहे हैं, मेथड नंबर 3, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दोस्त? 1, 1 = इन दोनों का डिफरेंस, है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? आधा, यानी 30 मिनट। मेथड नंबर 3 आराम से याद होगा, इसको कहाँ गुना करेंगे? 3 ओरिजिनल में, मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा? 90, यानी यहाँ पर आ जाएगा 90 और गुना करो 60 से, तो कितना आ जाएगा भाई? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग आगे की ओर कैसे चलते हैं? तो यहाँ पर कहता है कि 1 घंटा के बाद, चलिए उधर से तो कोई मतलब नहीं है, अच्छा दूरी तो मैंने निकाल ही दिया था, दूरी 630 अकॉर्डिंग टू दैट भाई होने वाला था, तो चाल जो मेरा है यार 60 निकल जाने वाला है,
ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ गए, थोड़ा सा टाइम मैंने बर्बाद कर दिया यूजलेस सवाल के चलते, तो उम्मीद करते हैं इस वाले में आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। आइए सवाल नंबर 3 की ओर चलें। तीसरे नंबर सवाल में क्या कहता है, देखना बनता है। ठीक है, हम बार बार देख रहे हैं कि मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुआ, लेकिन सवाल मेरे हिसाब से परफेक्ट बना है, शायद कोई गलती नहीं है। हो सकता है कोई टीचर, जहाँ तक मेरे को दिमाग में जा रहा है, हो सकता है कोई टीचर आपको 600 भी आंसर इसमें बता सकते हैं, ठीक है, शायद जहाँ तक एक जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मैंने सही बताया, तो थोड़ा इस वाले को स्किप करके देख लीजिएगा, मेरे अनुसार आंसर सही है। चलिए इसके बाद हमारे को देखना है ये सवाल, चलिए फटाफट से देखिए, वो फिर से फॉर्मेलिटी स्टार्टिंग में किया हुआ है ना, कैसे करेंगे सर, मेरे को देखो क्या कहता है, 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती, तो 80 किलोमीटर डिवाइड, आपको पता है कि चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो मेरे को पता है ना समय कैसे करना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कि ये मेथड नंबर फिर से 3 लगा रहे हैं, ठीक है, आप 4 भी लगा सकते हो अगर याद होगा तो। यहाँ पे 2 घंटा का देर हो गया, यहाँ 1 घंटा का देर हुआ, तो 2 घंटा और 1 घंटा का अंतर एक ही होगा, एक को सर कहाँ से गुना करेंगे, 4 में करेंगे, यानी 1 गुना 4 4, तो देखते देखते चुटकी बजाते बजाते आंसर देख रहे हैं, ठीक है। फिर भी मेरे को अभी बहुत अफसोस हुआ कि पिछले वाले में सवाल को फालतू का ऑप्शन के चलते हमने टाइम बर्बाद किया, तो माफी चाहते हैं भाई, ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। रेलेवेंट और भी तरीके से आप बना सकते हो, अगर मेथड नंबर 4 लगाना है तो बाद वाला, इन दोनों में क्या करना है सर, ऊपर वाला लिखना है, नीचे में दोनों को घटा के, यही तो है ना, और डिवाइड में दोनों टाइम का अंतर, बस कहानी खत्म, हो गया काम तमाम, डायरेक्ट करना है। और अगर दूसरा मेथड से करना है, ठीक है, दूसरा मेथड से, पहले वाले में तो डायग्राम है, तो एक बारी 4 गुना 2 8 होगा, एक बारी 1 गुना 4 4 होगा, यानी दोनों का अंतर करेंगे तो 4 घंटा और 80, तीन तीन मेथड से बना दिया गया, शायद आप समझ चुके हैं। देखिए इस बार भी आपको वास्तविक चाल पूछ रहा है और दूरी निकालना है, ठीक है, अगर हम लोग ट्रिक्स वाले से दूरी निकालते हैं, अच्छा पहले चलो चाल ही निकालते हैं भाई, कैसे निकालते हैं सर, बाद वाला 30, हम लोग पहले मेथड नंबर 3 लगाएंगे, इन दोनों का अंतर कितना, 1, बराबर कितना कितना लेट हुआ देखिए, तो 40 मिनट लेट, 20 मिनट लेट, यानी 1 बराबर 20, क्योंकि देर देर में घटेगा, इसको कहाँ गुना करेंगे, ऊपर में, यानी कितना होगा, 20 गुना 2 40, यहाँ 40 आएगा, 60 से गुना पता ही है क्यों, 4 15 यानी 45 किलोमीटर पर आवर, चलेगा ना, कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक बच्चे को समझ में आ गया है, इसके बाद अगर मेरे को कोई कहता है कि सर चाल फोर्थ नंबर फॉर्मूला से कैसे निकलेगा, एक बार यार ध्यान से देखिएगा, बाद वाला जो है, अच्छा बाद वाला कितना है, 30, डिवाइड कितना कर दें सर, इन दोनों में ऊपर वाला, दोनों का अंतर, दोनों टाइम का डिफरेंस, आपके लिए फिर से एक बारी लिखते हैं, 40 माइनस 20, सिंस ये मिनट है तो गुना 60, ये 20 आएगा, 20 तिया 60, 2 से 15 बार में, फिर से आंसर प्यार से निकल गया है, चलेगा ना, कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। आगे 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 अब हम लोग चलते हैं इस वाले के दूरी पार्ट पे। अगर आपको दूरी वाला फॉर्मूला याद हो गया है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मालूम है एज ए स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, ठीक है, मेरे को लगता भाई मेरे से याद ही नहीं हो पाएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो शायद मेरे को नहीं याद हो पाएगा, ठीक है, तो खैर आपको याद हो जाए तो कुछ नहीं, पहले सोच के चलते हैं कि कुछ बच्चे को याद हो गया, तो बाद वाला डिस्टेंस कितना है, 30,
उसके बाद क्या करना है सर, दोनों टाइम को घटाना है, ठीक है। तो 40 में से 20 गया 20, और मल्टीप्लाई क्या करना सर, पहले वाले टाइम को लिखना है। तो 20 दूना 40 यानी 60, ये दुर्घटना के बाद वाला दूरी, ये पहले वाला, तो 60 60 120, कहानी खत्म, ठीक है। अभी अगर ध्यान से देखना कि गलती से कभी ये मेथड भूल गए, चाल के लिए तो तीन तीन है, तो कैसे याद किया जाए, कोशिश करते हैं। यहाँ 60 था ना, कितने का लेट हुआ, 40 मिनट का, देखते हैं, इसको भी याद कराते हैं बच्चे को। यहाँ पर अगर 30 के बाद एक्सीडेंट होता तो 20 मिनट लेट होता, मुझे बताइए, यही वाला तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो बच्चा कैसे याद करे, सिखाते हैं। मुझे बताइए 40 मिनट और 20 मिनट में अंतर कितना, और ये किसके कारण हुआ, 30 मिनट। तो बच्चा अगली बार से कैसे सोचेगा, अगर दूरी पूछेगा तो टाइम का डिफरेंस बराबर 30, यानी 20 बराबर 30, फिर कैसे सोचेगा, देखते जाओ, बेसिक क्रिएट करते हैं। तो 1 बराबर कितना, 3/2, ये कहाँ से गुना होगा सर, टोटल मेरे को चाहिए, यानी टोटल कितना यार, 40 है, तो 40 से गुना कर दो। देखिए 60 निकला, ये यही वाला तो 60 था, 60 इधर का 60 इधर का, इतना। अब इसको थोड़ा से झपा लेते हैं, भाषा में होता है ना, छुपा लेना, ठीक है, बिहारी भाषा में भाई मैंने बोला। तो अगली बारी दूरी कैसे निकालेंगे, सुनते हैं, पहले दिमाग में ये सोचेंगे बाद वाला निकालना है, हम भी बैठते हैं, आप भी बैठिए और आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। तो सबसे पहले सोचेंगे 40 मिनट 20 मिनट का अंतर, 20 मिनट बराबर बाद वाला डिस्टेंस 30, 20 बराबर 30 करना है। अब मेरे को हमेशा किसका मान निकालना है, शुरू वाला मिनट का। तो 20 बराबर अगर 30 है तो 40 बराबर कितना, तो क्यों ना डायरेक्ट सोचें, 20 को 40 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 30 को भी कर दो 2 से गुना, 60 इधर का 60 उधर का, कहानी खत्म। क्यों ट्रिक्स के पीछे दीवाने बने जब वो फंसेगी ही नहीं, ठीक है। तो भाई हटाइए ऐसे ही लोगों को जो फंसता ही नहीं है, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों को पसंद करिए जो आपसे बात करने को तैयार होता है। आगे चलते हैं भाई, वास्तविक चाल पूछा है, कैसे होगा सर, आइए बताते हैं। सबसे पहले बाद वाला डिस्टेंस, अब तो कहानी आपको पता ही है। फिर क्या करना है, अगर चौथे नंबर ट्रिक से बनाए तो ऑब्वियसली 3 और 4 में 3, बार बार यार एक ही आ रहा, डिवाइड ब्रैकेट में क्या होगा, दोनों टाइम का डिफरेंस। तो भाई 35 माइनस 25, और आपको पता है ये क्या है, टाइम मिनट में है, तो 60 से लगाएंगे भाग, बस मैथ हो गया खलास। 20 इसको घटाने से 10, 10 दूना 20, 48 आ गया। ये रटने वाला कंसेप्ट, बिना रटने वाला कंसेप्ट क्या है सर, 35 डिवाइड, एक का मान कितना होगा सर, 10 होगा, एक का मान कितना होगा, 10 होगा, समझ पा रहे हो भाई, एक का मान 10 क्यों होगा, 10 बताइए, 35 मिनट और 25 मिनट का अंतर, इस 10 को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सर, 35 में, सॉरी माफ कीजिएगा, 30, 10 का गुना 30 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यार, 30 गुना कितना 60, कहीं गलती हो गया क्या, ठीक है, आइए थोड़ा सा दिमाग किसी और जगह, इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी ना, चलो एक बार एक मेथड से तो मैंने बता दिया, ठीक है, सेकंड मेथड से कर लेते हैं। ये देखो 3/4 है ना, इनका अंतर कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पर 35 मिनट का देर हो गया, यहाँ 25 मिनट का देर हो गया, तो 35 में से 25 गया तो 30 10 आ गया। इस 10 को सर कहाँ गुना करेंगे, इसी में, ठीक, तो यार कर रहे थे तो 30 आ रहा, यानी बाद वाला डिस्टेंस 24, ठीक है, मैंने 30 लिख दिया था, ये 30 और मल्टीप्लाई का 60, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा भैया, 48। अगर मेरे को दूरी बोलता तो सर निकाल पाते क्या, देखो निकालते हैं। सबसे पहले दूरी निकालने के लिए बाद वाला ही तो चाहिए, तो 35 मिनट 25 मिनट, थोड़ा लिख के करते हैं, 10 मिनट देर होने से 24 किलोमीटर जाता है, मेरे को किसका मान निकालना है, 35 मिनट का, कितना बराबर कितना, जैसे निकलेगा 50 में जोड़ देंगे,
तो बताइए 10 से 35 कैसे जाएगा, संभव नहीं है। तो 2 से काट लीजिए ना, तो 5 का तो 12 हो जाएगा। 5 से 35 7 गुना 12 से 7 गुना 84, 84 यहाँ का, 50 पहले का, 124। हाथ ही नहीं लगेगा भाई। कैलकुलेशन में स्मार्ट बनिए, मजा लीजिए। आगे बढ़ें, अगले सवाल को देखते हैं। अगला यार फिर से चाल पूछा, देख रहे हैं कि कितनी बार चाल पूछता है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 60 ऊपर, मेरे को तो सवाल दिख गया, बाद वाला डिस्टेंस 7 है। नीचे में क्या करेंगे, मेथड नंबर 3 सब बनाते हैं, इधर उधर से मन कर रहा है। इन दोनों में लेट लेट है, तो यानी 5 और 6 का डिफरेंस 1, दोनों को घटाएंगे तो 12 मिनट। कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5 में करेंगे किस्मत से, 12 25 60, 60 मिनट, 60 से गुना, यानी 60 किलोमीटर पर आवर। कहानी खत्म, कोई समस्या नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर से कुछ दिमाग लगाते हैं सर, अगर दूरी भी पूछता तब क्या करते। इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई, 12 मिनट। 12 मिनट में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता, एक्चुअली 12 मिनट में नहीं, 12 मिनट देर में। तो मेरे को 1 घंटा 12 मिनट चाहिए, 1 घंटा यानी 60, 12 मतलब 72, बोलता यार 72 मिनट में कितना जाएगा, 6 से गुना, 6 से भैया गुना, 360, 360 यहाँ का, पहले का 60, 420। मजा आ जा रहा भाई सीख के। ठीक है, शुरुआत में जैसा लगा था वैसा ये मैथ है नहीं, मेरे को परेशान कर ही नहीं पा रहा। नेक्स्ट सवाल देखिए, शुरुआत में मैंने बताया था कि कभी कभी ऐसा कर देता है ना। तो चलिए इस वाले में भी अगर मेरे को वास्तविक गति निकालनी है तो आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, कोई तो समस्या लग ही नहीं रहा है इस वाले में। तो अगर मेरे को चाल निकालना है तो भैया 150 ऊपर, 75% को अगर काटिएगा तो 3/4 आएगा ना, 25 तिया 75, 25 चौके, तो बताइए 3 और 4 का डिफरेंस कितना, 1। 4 घंटा यहाँ देर, 2 घंटा यहाँ देर, मतलब 2। इस 2 को गुना करेंगे 3 में, यानी 6, और ये घंटा है तो कोई 60 से डिवाइड नहीं, उत्तर आ गया बड़े प्यार से। ठीक है, लंबाई आप निकाल लेना, कोई समस्या नहीं है, लंबाई मतलब दूरी। फिर से वैसे ही सवाल है आपके लिए, ये छोटा सा होमवर्क। ठीक है, आगे चलते, इसके बाद आखिरी 2 सवाल आज का है ना, इसको देख लीजिए। देखिए जल्दी खत्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मत समझो सर आपने आधा घंटा का ही कराया, आधा घंटा मैंने डिफिकल्ट सीरीज यार कंप्लीट कराया। सवाल थोड़ा इंग्लिश में है, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, कैसे निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे देखना है तो हम आपको चाल निकालने सिखाते हैं। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है सब सेम सेम वाला यूट्यूब में सिखाया गया है, यहाँ पर आप देखिएगा। ऐसा इंग्लिश में सिखाते हैं भाई, ये 45 मिनट लेट है और 12 मिनट सूनर है। जब जल्दी वाला सवाल रहेगा तब कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चाल निकालने का आइडिया क्या है भाई, बाद वाला डिस्टेंस रहेगा, सवाल आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश ठीक ठाक है चल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, तो देखो 4/5 चाल हो गया, तो 1 का मान कितना करना है, तो ये उसके जैसा मत कर दीजिएगा, लेट और जल्दी को जोड़ेंगे। जब लेट और सूनर का कॉम्बिनेशन होगा तो 1 का मान सूनर वाला लिखिए, क्योंकि यही आपको बेसिक में होता है। तो 1 बराबर यार कितना आ गया, 12। फिर आगे का कहानी वही है, आगे का कहानी वही है कि 12 को कहाँ से गुना करेंगे, तो ऊपर वाले से। तो 12 गुना 4 कितना हो गया भैया, 48। यानी यहाँ पे 48 मिनट गुना कितना, 60। 12 चौक 48, 12 पचे 60, 4 से 5 बार, ये आपने सीखा नया। आप पूरे YouTube में खोजिए, आपका ओपोजिट वाला का किसी ने नहीं बताया। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, फिर भी नहीं बताया तो भाई बोलेगा ना कि हम बता रहे हैं, बताना तो जरूरी है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि डिफरेंट आपका रहेगा टाइमिंग, तो कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर, सेम लॉजिक लगाइएगा। कैसे बताते हैं,
45 मिनट और 12 मिनट। तो आपको इन दोनों को अब घटा के 20 नहीं सोचना है, मैंने क्या बोला सूनर वाला टाइम लेना है। तो सोचना है 12 मिनट बराबर 20 किलोमीटर। अब मेरे को हमेशा याद रखना, बाकी फंडामेंटल वही है कि 45 मिनट में कितना। तो 12 को तो 45 नहीं बना पाएंगे, तो क्यों ना 4 से काट दें, क्यों ना 4 से काट दें। 3 से 45 कैसे बनेगा, 15 से गुना करके। 5 से 15 गुना करिएगा 75, ऊपर का 50, 125। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया है कि कैसे ये सीरीज चल रहा है। एक सवाल और आपको बताएंगे, वीडियो पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, है ना भाई, वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई करना है। तो आशा करते हैं कि आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो कितना हो जाएगा, सबसे पहले बाद वाला डिस्टेंस कितना है, 60, ठीक है। अब आपको पता है कि मुझे 15 मिनट अर्लियर, अर्लियर बोले चाहे सूनर बोले, बात बराबर ही है। और चाल कहाँ है भाई, 3/4 है, यानी एक का मान हो जाएगा सूनर वाला। तो यानी 3 से गुना कर देंगे तो 45 मिनट, मतलब 60 से गुना, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 से कटा 20, यानी 80 आंसर। एक ही ऑप्शन है तो दूसरा रहता तो फिर टेंशन लेते, एक ही में 80 है तो काहे को टेंशन। तो बताइए भाई समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और मान लो यार 460 कोई बच्चा देखना चाहता है, अगर मेरे ऊपर गुस्सा आ गया तो बता देते हैं भाई, गुस्सा मत करिए, 15 मिनट अर्लियर है और कितना किलोमीटर बाद वाला लेना है, 60, ठीक है। तो मेरे को निकालना क्या है, हमेशा पहले वाला टाइम तो 90 में कितना, तो भैया 6 से गुना, इधर भी 6 से गुना, तो 360, 360 बाद वाले का और पहले वो चल के रखा है 100, यानी 460। मैच किया ना, गुस्सा खत्म हो गया आपका, इसमें मुंह फुलाने के क्या है भाई, मैंने तो देखा एक ठो में 80 है तो मार दिया, ठीक है, गुस्सा होए तो तुरंत बता दिए। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, चार चार मेथड एक सवाल का, हर तरह से आपको मैंने स्ट्रांग कर दिया। कैसा लगा क्लास, मन करे तो बताएं, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट करने पे पूरा नियंत्रण मेरा है। तो चलिए अगली बार मिलते हैं इसके अगले पार्ट पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।